इंटरमीडिएट पार्ट टू के चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज, कि मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगी। नंबर 1 मैक्सिमम, नंबर 2 मिनिमम, नंबर 3 जीरो एंड नंबर 4 नल। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो मीन वैल्यू होती है किसकी, एसी की, या एवरेज वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल में, वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, चूंकि एक दफा प्लस पीक मिलती है आपको, एक दफा नेगेटिव पीक मिलती है। जब आप दोनों को प्लस और नेगेटिव वाली पीक दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन या एवरेज क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो किसके बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो एक्स एल है दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, तो एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। दिस इज द एमसीक्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट फ्लो अ कैपेसिटर ऑफ एसी सर्किट विल बी, एट द हाई फ्रीक्वेंसी पे जो कैपेसिटर में से करंट फ्लो करेगा एसी सर्किट में, वो क्या होगा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा, इन्फिनिट होगा या जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर केस में एक्स सी होता है, जिसकी रेजिस्टेंस होती है एसी सर्किट में, वो होती है 1/ω C। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π f, ये ओमेगा की वैल्यू और साथ में c आ गया। और यहां से हमने देखा कि जो हमारे पास एक्स सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है एसी सिग्नल की, वो अगर जैसे कि इस केस में लार्ज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी तो एक्स सी क्या हो जाएगा, स्मॉल, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी लार्ज फ्रीक्वेंसी में। और जब रेजिस्टेंस आपकी यहाँ स्मॉल हो जाती है तो उसके नीचे में आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो करंट होगा वो यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, तो लार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट वैल्यू रीच बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। जो हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलती है वोल्टेज या करंट की एक साइकिल में, जो हाईएस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे हम कहते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, प्रश्न 4 का ऑप्शन क्या है, बी जी। ये चैप्टर नंबर 15 का एक एमसीक्यू था जो कि वहां पर रह गया था। इफ द मोटर इज ओवरलोडेड, अगर मोटर ओवरलोडेड है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो स्टूडेंट से रिमार्क्स याद रखिएगा, जब मोटर ओवरलोड होती है, इफ द मोटर इज ओवरलोडेड इट स्लो डाउन, तो वो स्लो हो जाती है। एज अ रिजल्ट इसके नीचे में बैक ईएमएफ क्या हो जाती है, डिक्रीज, और ये क्या करती है, अलाउ द मोटर टू ड्रॉ मोर करंट, उसकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि बैक ईएमएफ का पूछा गया था, लिहाजा यहाँ पे जब मोटर ओवरलोड होगी तो बैक ईएमएफ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फाइव क्वेश्चन क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 6, अ कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, तो कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर बिहेव करता है किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, बोथ एयर बी एंड नल। तो याद रखिए हमने पढ़ा था कैपेसिटर सिर्फ जो है एसी सर्किट के लिए यानी कि एसी करंट को फ्लो करने के लिए यूज होता है, तो कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो नहीं करने देता। तो
तो लिहाजा कैपेसिटर जो है इंसुलेटर होगा डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है, क्योंकि डीसी को पास नहीं करने देता। द प्रोसेस कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ने पढ़ी दो तरह की होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें दो किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है वो कंबाइन होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। द नेक्स्ट ऑप्शन, इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, ये जो प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट होता है इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो वोल्टेज और करंट की होती है वो किस तरह बिहेव करती है, क्या करंट लैग करता है बिहाइंड वोल्टेज, या करंट लीड करता है बाय वोल्टेज, या वोल्टेज लीड करते हैं करंट को बाय फेज पाई बाय टू, या बोथ आर इन फेज। तो याद रख लीजिएगा जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, जबकि लैग और लीड जो है ये हमेशा कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट में आता है, ठीक है, जबकि रेजिस्टिव सर्किट में दोनों वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, कहता है कि नीचे आपके पास चार किस्म की वेव्स है, हीट वेव, एक्स रे, साउंड वेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव, कहता है इसमें से कौन सी ऐसी वेव है या रे है जो कि मीडियम रिक्वायर होती करती है अपनी प्रोपागेशन के लिए। तो याद रखिए हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको गुजरने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव क्या है, साउंड वेव, ठीक है, जो ऑप्शन क्या है, साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 10, इन मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नाउन एज, मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं तो दो फ्रीक्वेंसी कंबाइन होते हैं, लो होती है और एक हाई होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग या मॉड्यूलेशन सिग्नल, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्रीवियस चैप्टर के एमसीक्यूज है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, दो कॉइल के दरमियान डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा एग्जाम में आया है कि प्योर चोक कंज्यूम करती है मिनिमम पावर, मैक्सिमम पावर, लो पावर या एवरेज पावर। तो हमें पता है कि प्योर चोक जो है ये जीरो पावर जो है उसको कंज्यूम करती है, यानी कि कोई पावर कंज्यूम नहीं करती। 12 के ऑप्शन क्या है, सी। टू कंस्ट्रक्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके आउटपुट पे वोल्टेज जो होते हैं वो कम होते हैं, तो आउटपुट पे वोल्टेज कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं और सेकेंडरी कॉइल में उसको रिड्यूस करते हैं, तो एन एस लेस देन एन पी, ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। जी क्वेश्चन नंबर 14, प्योर डिसिपेशन पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव और इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, पावर डिसिपेशन या प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होती है, तो याद रख लें पावर डिसिपेशन प्योर सर्किट में, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होती है, सी। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ट्रांसफार्मर, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक को हम कहते हैं एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, जी तो इम्पीडेंस जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इम्पीडेंस एक्चुअली में रेजिस्टेंस ही है, तो इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस वाला यूनिट यानी कि ओम। 17 के ऑप्शन क्या है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो भी मैंने आपको बताया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है सेकेंडरी कॉइल में वो लेस देन होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से। 19, इफ आई नो दिस द पीक वैल्यू ऑफ एसी, इट्स एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर आई नो हमारे पास पीक वैल्यू है तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू के लिए जो आंसर है वो है जीरो, कि एक आपके पास पॉजिटिव पीक बनती है और एक आपके पास नेगेटिव पीक बनती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव पीक से जब आप सम लेते हैं प्लस साइन और माइनस साइन और डिवाइडेड बाई टू करते हैं तो वो क्या रहता है, जीरो, ठीक है। जी 20 एमसीक्यू, एड रेजोनेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस कब होती है, जब एक्स एल बराबर होता है एक्स सी के, द फेज एंगल ऑफ आर एल सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट इक्वल टू जीरो डिग्री,
फेज एंगल कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं और आपका सर्कल जो है प्योर रेसिस्टिव सर्कल बनता है, और उसमें जो आपका फेज एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के, यानी कि बॉडी जो ग्राउंड में जो फेज है वो जीरो है। द यूनिट ऑफ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस के क्या होता है? ओहम, ठीक है। और याद रख लीजिएगा ये जो ओहम इनवर्स है ना, ये इम्पिडेंस के रेसिप्रोकल का यूनिट है, जिसे हम एडमिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमसे पूछा जा सकता है। एडवाइस दैट लाओ परमिट फ्लो ऑफ डीसी थ्रू द सर्किट इजीली इज कॉल्ड, कहता है कि ऐसी डिवाइस जो डीसी को डायरेक्ट करंट को फ्लो करने की इजाजत देती है वो क्या कहलाती है? कैपेसिटर एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर। हमें पता है कैपेसिटर सिर्फ एसी को परमिट करने की इजाजत देता है, फ्लो करने की इजाजत देता है। एसी जनरेटर, ये सिंपल सी बात है, एसी का ट्रांसफार्मर भी एसी के लिए है, तो इंडक्टर जो है यहाँ पे ये डीसी करंट को फ्लो करने की इजाजत देता है, डीसी को फ्लो करने की इजाजत देता है। क्वेश्चन नंबर 23, द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ अ कॉइल ऑफ अ थ्री फेज एसी जनरेटर इज। थ्री फेज एसी जनरेटर में जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है हर कॉइल में वो कितना होता है? 120। कितना होता है? 120, ठीक है। इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक क्या है कि देखिए एक साइकिल कंप्लीट साइकिल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि थ्री फेज कहा गया है, थ्री फेज का मतलब कि आप 360 को अगर आप थ्री पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 120। तो सिंपल फेज में क्या आ जाएगा? 120, हर एक पेयर में 120 का फेज होगा, ठीक है। फेज जी 24, मेन रीजन फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी इज दैट इट कैन ट्रांसमिट इट टू। एसी का बेनिफिट क्या है जो जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं? याद रखें कि एसी जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेटर है और इसकी कॉस्ट बड़ी लो होती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस एट वेरी लो कॉस्ट ये ट्रांसमिट इजीली की जा सकती है। तो 24 का ऑप्शन क्या है? डी। 25, इफ वी आर एम एस इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 वोल्ट देन द फेज वोल्टेज वी नोट विल बी। ये आपके सामने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वी आर एम एस बराबर होता है वी नोट ओवर स्क्वायर रूट 2। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे? 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी 25 एमसीक्यू है हमारे पास कि अगर हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 10 अंडर रूट 2 वोल्ट, तो फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है मैंने वी आर एम एस इक्वल टू वी नोट ओवर स्क्वायर रूट 2। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू वी नोट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जो नीचे स्क्वायर रूट है यहाँ 10 के स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बना देगा? स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और इस तरह ये स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट में 2 है तो ये सिंपल वो आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन होगी वो 20 वोल्ट की होगी, ठीक है। 25 का ऑप्शन क्या है? बी। इस तरह आपको जितने मर्जी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूले को याद रखिएगा। 26, एट रेजोनेंस आर एल सी सीरीज सर्किट शोज द बिहेवियर ऑफ। रेजोनेंस पे आर एल सी सीरीज सर्किट किस तरह बिहेव करता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है, प्योर आर एल सी। तो मैंने बताया था एट रेजोनेंस पे आपके पास एक्स एल और एल सी बराबर होते हैं तो आपके पास सर्किट बिहेव करता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ आर एल सी सीरीज सर्किट इज इक्वल टू। रेजोनेंस पे जो करंट होता है आर एल सी सीरीज सर्किट में वो किसके बराबर होता है? वी नोट ओवर आर, वी नोट आर आई बाय टू जीरो। तो याद रख लीजिएगा कि जो रेजोनेंस पे आपके पास जो करंट मिलता है वो मैक्सिमम करंट होगा, तो वो एक्चुअली में वी नोट मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इसके बराबर होगा। 27 के ऑप्शन क्या है? ठीक, आपको एक मैक्सिमम पीक मिलती है ना तो मैक्सिमम करंट की पीक होता है। एट हाई फ्रिक्वेंसी आर एल सी सीरीज सर्किट शोज द बिहेवियर ऑफ। हाई फ्रिक्वेंसी पे आर एल सी सीरीज सर्किट किस तरह बिहेव करता है? तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो एक्स एफ है, सॉरी एक्स सी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, कैपेसिटर के केस में। जबकि अगर हम बात करें एक्स एल की इंडक्टर के केस में, तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है
ये आपके पास फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ हमें पूछा गया हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मीन कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सएल भी क्या होगा लार्ज, यानी कि इंडक्टर की कैपेसिटी रेजिस्टेंस क्या होगी लार्ज, तो इसके नतीजे में करंट क्या होगा स्मॉल, यानी कि सर्किट आपका इंडक्टर बिहेव नहीं करेगा। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें कैपेसिटर के केस में, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर क्या करता है उसकी एक्सी क्या हो जाती है स्मॉल, और इसका ये एसी को इजीली फ्लो करने देता है क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है स्मॉल। तो इस तरह सर्किट हमारा हाई फ्रिक्वेंसी बिहेव करता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, 28 की ऑप्शन क्या है सी। 29 आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, ये आरएमएस वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, चाहे एसी हो करंट हो या वोल्टेज हो, बी आर एम एस अभी मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था किसके बराबर था वी नोट ओवर अंडर रूट टू। इसी तरह आई आर एम एस जो है ये आई नोट ओवर अंडर रूट टू होता है, और 1 ओवर अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707, क्योंकि ऑलरेडी करंट का पूछा गया है तो 0.707 आई नोट ये आपके पास आर एम एस करंट है। ठीक है, 29 के ऑप्शन क्या है ए। इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो होते हैं इन फेज होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, द वे विच आल्सो पास थ्रू द वैक्यूम, ऐसी वेव जो वैक्यूम से पास करती है, यानी कि ऐसी वेव जिनको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि ये जो है वैक्यूम से भी पास कर लेती है इजीली, ये मैकेनिकल वेव नहीं है। ठीक है, 31 के ऑप्शन क्या है सी। 32 द यूनिट यूज फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैंने आपको भी बताया कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाए यूनिट क्या होगा उसका, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है एक्चुअली। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 16 के 32 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ही फर्दर एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हमने इस चैप्टर नंबर 16 के हमने दो वीडियोस बनाई हैं, सेकंड वीडियो में इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अगर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मजीद वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।